हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो ट्राइफल, जिसके लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। यहाँ हमने ले लिए हैं 2 से 3 आम लिए हैं, जिसे हम पीसेस में कट करके यूज़ करेंगे। यहाँ हमने ले लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली पाउडर लिया है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। कस्टर्ड केक बनाएंगे हम, इसके लिए हमने यहाँ ले लिया 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड में शुगर ऐड करेंगे तो 2 से 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करना है। यहाँ हमने ले लिया है दूध, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, 700 to 800 ml। केक हमने यहाँ ले लिया है मैंगो फ्लेवर स्विस रोल केक लिया है, आप चाहें तो अपने फ्लेवर के केक भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। स्लाइस केक भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। सबसे पहले हम मैंगो को पीसेस में कट कर लेंगे, क्यूब शेप में कट करना है हमें, तो आप इस तरीके से पीसेस लेके आप मैंगो कट कर लेंगे, और इसे आप एक प्लेट या सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। यहाँ हमने मैंगो के पीसेस ले लिए हैं प्लेट्स में। अब हम जेली बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 1/2 लीटर पानी लिया है, इसे हम बॉईल होने देंगे पहले। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो हमारा जो जेली पाउडर है, एंटायर जो पैकेट है, वो आप इसके अंदर डाल देंगे पाउडर, और इसे आप चलाते रहेंगे। जब तक आपको चलाते रहना है, जब तक जो डिजॉल्व जो पाउडर है वो डिजॉल्व हो जाए अच्छे से पानी में, तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। जब पाउडर डिजॉल्व हो जाएगा तो इसमें एक बॉयल आने देंगे। देखिए यहाँ पर बॉयल आ रहा है, जब बॉयल आ जाएगा तो आप फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आप इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। देखिए थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब आप इसे पोर करेंगे, जिसमें आपको जेली सेट करनी होगी वो बोल ले लें, उसके अंदर आप ये सेट कर दें पानी डाल के, और इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि जेली जो है अच्छे से सेट हो जाए। अब हम कस्टर्ड बना लेंगे। एक डीप पैन में दूध डालेंगे और गर्म करने रख देंगे। आपको 1 से 1.5 कप दूध बचाना है कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए। जिसको दूध को गर्म करने रख देंगे, थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया था, 1 से 1.5 कप दूध लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे हम वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रहे हैं। आपको अगर दूसरा फ्लेवर पसंद हो, लाइक स्ट्रॉबेरी या दूसरे फ्लेवर का कस्टर्ड पसंद हो, तो आप इसकी जगह वो पाउडर ऐड कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे गर्म दूध में मिक्स नहीं करना है पाउडर को, क्योंकि अगर आप गर्म दूध में मिक्स करेंगे तो लम्ब्स फॉर्म होने लगेंगे, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए जब आप दूध गर्म करने जाएं, उससे पहले आप थोड़ा सा निकाल लें सादा दूध, और उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर मिक्स करें, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि लम्ब्स ना फॉर्म हो। यहाँ हम इसे मिक्स करके रख लिया है। दूध में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। जब बॉईल आ जाएगा तो आप लो फ्लेम कर देंगे, और इसमें शक्कर डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे शक्कर को। फिर आप इसे हाई फ्लेम पे रख सकते हैं, और आपको चम्मच चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। अगर दूध आपको फलने लगे तो आप मीडियम फ्लेम पे रख दें, और फिर आप शक्कर को मिक्स करें दूध में। शक्कर जब डाल के मिक्स कर लेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे जो कस्टर्ड पाउडर हमने दूध में डाल के मिक्स करके रेडी करा था, वो आप इसमें डालेंगे। और आपको डालते वक्त इसे चलाते रहना है दूध में, स्पून की हेल्प से आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें, ताकि दूध में लम्ब्स ना फॉर्म हो। तो आप कस्टर्ड पाउडर एक हाथ से डालें और एक हाथ से चमचे चलाते रहें दूध में, ताकि लम्ब्स ना फॉर्म हो। 4 से 5 मिनट तक आप इसे स्टर करते रहेंगे। अब इसे जब तक स्टर करेंगे, जब तक जो थिक कंसिस्टेंसी आ जाए, तो आपने इसे जब तक स्टर करते रहना है। फिर आपको एक थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी मिलेगी, आपको पता चल जाएगा जब थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और इसे पकने देंगे थिक कंसिस्टेंसी आने तक। देखिए जो कस्टर्ड है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, और जब ये ठंडा होगा ये तो और थिक हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी जब आपको मिल जाएगी तो आप फ्लेम ऑफ करेंगे, और इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद एक बोल में रखेंगे, एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे फ्रिज में अच्छा ठंडा होने के लिए रख देंगे, चिल होने के लिए रख देंगे। जब चिल हो जाएगा तो इसमें हम फ्रूट्स ऐड करेंगे हमारे कट करके,
तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद आप इसे ट्रांसफ़र करके बोल में आप इसे फ्रिज या फ्रीजर में रखें। फ्रीजर में रखें तो आधा घंटा एक घंटा रख लें, आधा घंटा रख लें, जब अच्छा चिल्ड हो जाएगा तो फिर आप इसे फ्रूट्स कट करके फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए एक घंटा हो चुका है, हमने फ्रिज में रख दिया था, कस्टर्ड हमारा रेडी है, जेली हमारी रेडी है, अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले आप साइड से नाइफ से इस तरीके से कट करेंगे ताकि जो जेली अच्छे से निकल आएगी, और फिर आपको जैसे पीसेस पसंद हो वैसे आप पीसेस में कट कर सकते हैं जेली को। देखिए हम इस तरीके से बड़े बड़े स्क्वायर पीस कट कर रहे हैं। अब आपको जैसे शेप देना हो जेली को वैसे आप कट कर लें। हमने यहाँ पे स्विस रोल केक लिया है मैंगो फ्लेवर का, इसे हम कट करेंगे। आप चाहें तो कोई भी स्लाइस केक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो फ्लेवर, मिक्स फ्रूट या वैनिला या चॉकलेट या क्रीम केक, जैसे आपको पसंद हो वो आप केक इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। हमने यहाँ हाफ लेस देन हाफ कप ऑफ वाटर लिया है, इसके अंदर हमने एक टेबलस्पून शक्कर डाल के मिक्स कर लिया, एक सिरप बना लिया है शुगर सिरप जो हम केक पे यूज़ करेंगे। अब एक बोल लेंगे जिसमें आपको ट्रिफल बनाना है, उसके अंदर आप ऐड कर देंगे मैंगो के पीसेस। आपको जितना पसंद हो आप उतने मैंगोज इसमें ऐड कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर आप केक के पीसेस रख देंगे। हमें लेयर बनानी है, मैंगो के पीसेस हाफ रखेंगे फिर वापस से इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है, तो हाफ मैंगो के पीसेस रखेंगे और हाफ केक के पीसेस रखेंगे। अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ताकि जो हमारे केक है वो थोड़े से मॉइस्ट रहे। शुगर सिरप हमने बनाई थी एक टेबलस्पून शुगर डाल के लेस देन हाफ कप ऑफ वाटर में, इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर लेंगे अच्छे से केक के ऊपर। अब हम इसके ऊपर जेली से गार्निश करेंगे, ऊपर जेली डाल लेंगे। जेली का लेयर लगा लेंगे अच्छे से। यहाँ हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली ली है, आप चाहें तो अपनी पसंद की जेली इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पर हमारा जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो अब इस पर पोर कर लेंगे और इसकी लेयर लगा लेंगे अच्छे से, चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे कस्टर्ड को। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद फिर से आप केक के पीसेस लेंगे, उसकी लेयर लगाएंगे। अब हम इस पर जेली जो हमारी रखी हुई है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, वो आप इसका लेयर लगा लेंगे जेली का। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड पोर कर लेंगे, कस्टर्ड का लेयर लगा लेंगे अच्छी तरीके से आपने पोर करना है। कस्टर्ड का लेयर लगाने के बाद आप इसके ऊपर जो मैंगो पीसेस हैं आपके, उससे आप लेयर लगा लेंगे मैंगो पीसेस का। आपको जितने मैंगो डालने हो आप उसके ऊपर लेयर लगा सकते हैं मैंगो के, जितने आपको पसंद हो। हमारा मैंगो ट्रफल बिल्कुल रेडी है, आप इसे फ्रिज में रख के चिल करके उसके बाद ही आप इसे सर्व करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखें, अच्छा चिल्ड होने के बाद आप इसे सर्व करें। आप इसे एकदम चिल करके सर्व करें, आप
इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है मैंगो ट्रैफल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डू लिव अ कमेंट बिलो।